गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले ठोस के गुणधर्मों का पूरा थ्योरी बता दिया गया था, आज के अध्याय में हम इनसे संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न हमारा बनता है, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्यों? प्रत्यास्थ अधिक होगा या कम होगा, इनके कारण को जानते हैं अपन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न से, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है या नहीं। तो मान लेते हैं, माना स्टील और रबर दोनों की लंबाई को समान मानते हैं, साथ ही उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद के काट के क्षेत्रफल को भी समान मान लेते हैं। तो माना समान लंबाई व अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला स्टील व रबड़ है। मान लेते हैं किसी स्टील और रबड़ की लंबाई समान है, साथ ही उनकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उनको भी समान मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि माना यह क्रमशः कैपिटल L, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक लंबाई को कैपिटल L से डिनोट किया जाता है, जबकि क्षेत्रफल को कैपिटल A से, तो उनको मान लेते हैं अपन क्रमशः L व A है, ठीक है, स्टील का और रबड़ का दोनों की लंबाई L व क्षेत्रफल A है। यदि स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक यदि स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक मान लेते हैं अपन YS व रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक YR, मान लिए स्टील है उनका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, मान लिए YS और रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक YR, ठीक है। इसके बाद अपन इनकी लंबाई में परिवर्तन, चूंकि इनकी प्रारंभिक लंबाई और क्षेत्रफल को समान माने हैं, तथा इनकी प्रत्यास्थता गुणांक स्टील के लिए YS और रबड़ के लिए YR है, तथा इनकी लंबाई में परिवर्तन इनकी लंबाई में परिवर्तन लंबाई में परिवर्तन क्रमशः स्टील के लिए मान लेते हैं अपन LS व रबड़ के लिए मान लेते हैं YR है, ठीक है। तो देखते हैं तो स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक हमने बताया था आपको प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या होता है, ये होता है Y स्टील है तो इसको लिख देंगे YS, और बल दोनों के लिए समान मान लेते हैं F इंटू इनकी लंबाई बटे क्षेत्रफल और लंबाई में परिवर्तन, क्या मान लिए एल एस, जबकि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि स्टील और रबर पर समान बल आरोपित किया जाता है। माना स्टील व रबर पर समान बल आरोपित हो
समान बल एप आरोपित होता हो, मतलब स्टील और रबड़ दोनों पर हम बल को समान आरोपित करते हैं, तो उस स्थिति में स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाई एस इक्वल टू हमारा होगा एफ इंटू एल अपान ए इंटू एल एस, बल गुणित लंबाई बटे क्षेत्रफल और इनकी लंबाई में परिवर्तन। इसी प्रकार से अपन देखते हैं रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक ये क्या होता है, तथा रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक यहां पर निकाला गया स्टील का, सेम इसी प्रकार हम रबड़ का निकालेंगे, तो रबड़ का हो जाएगा वाई आर इक्वल टू, क्योंकि बल समान आरोपित कर रहे हैं इसका इसके लिए भी एफ होगा और इनकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई इनके लिए भी एल होगा, टेप इंटू एल बट्टे क्षेत्रफल इनके लिए भी ए होगा, इनकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा एल आर। ठीक, ये है रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक वाई आर इक्वल टू एफ इंटू एल अपान ए इंटू एल आर, इक्वेशन टू मान लिए। समीकरण एक और समीकरण दो को विभाजित करते हैं, देखते हैं क्या आता है। समीकरण एक भागित समीकरण दो करने पर, चलिए विभाजित कर देते हैं, समीकरण वाई एस बटे वाई आर इक्वल टू इनके लिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में होगा एफ इंटू एल अपान ए इंटू एल एस बटे इनके लिए होगा एफ इंटू एल अपान ए इंटू एल आर। लेफ्ट हैंड साइड में अपन देखते हैं यहाँ पर वाई एस बटे वाई आर, जहाँ पर वाई एस है हमारा स्टील का प्रत्यास्थता गुणांक, वाई आर है हमारा रबड़ का प्रत्यास्थता गुणांक। दाहिने साइड में देखते हैं तो यहाँ पर दोनों साइड में एफ और एल कट गया तुम्हारा, ए कैंसिल, इसलिए बच गया अपान एल एस, इसमें अपान बच गया एल आर। तो इक्वेशन हमारा आएगा वाई एस बटे वाई आर इक्वल टू एल आर बटे एल एस। इससे क्या स्पष्ट होता है, इस इक्वेशन से हमारा ये स्पष्ट होता है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है वह उनकी लंबाई में परिवर्तन का व्युत्क्रम अनुपात हो रहा है। ठीक है ना, वाई एस बटे वाई आर इक्वल टू एल आर बटे एल एस, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि प्रत्यास्थता गुणांक है उसकी लंबाई में परिवर्तन के व्युत्क्रम अनुपात है। और जब हम किसी भी स्टील और रबर दोनों को जब हम खींचेंगे तो देखते हैं कि स्टील की अपेक्षा रबर ज़्यादा फैलती है। आप खींचोगे स्टील को और रबर, इस बार खींच के देखोगे तो आप देखोगे कि रबर है वो स्टील से अधिक फैलेगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो रबर में की जो लंबाई में परिवर्तन है वह स्टील की लंबाई में परिवर्तन से अधिक होगी। ठीक, यदि स्टील व रबर को स्टील व रबर को खींचा जाए तो क्या होगा, एल आर बड़ा होगा एल एस, अर्थात जो रबड़ होगा उनकी लंबाई में परिवर्तन जो स्टील का होगा उनकी लंबाई में परिवर्तन से अधिक होगा। अतः इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, वाई एस का मान चूंकि एल आर का मान एल एस से बड़ा हो रहा है, इस कारण से वाई एस का मान वाई आर से बड़ा हो जाएगा। अतः
अतः समीकरण थर्ड से YS बड़ा होगा YR, अर्थात स्टील है वह रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है क्यों, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया आंकिक विधि के द्वारा कि स्टील है वह रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, चलिए अगला आंकिक प्रश्न अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, मान लेते हैं एक तार है जिन पर एक तार पर 4.0×10^5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ये हमारे पास प्रश्न है कि किसी तार है उस पर 4×10^5 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर प्रतिबल लगाते हैं जिससे उसकी लंबाई में 0.020% की वृद्धि होती है, तो तार के पदार्थ का हमको यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले अपन देख लेते हैं इसमें हमको कौन कौन सी राशि दी गई है, उनको अपन पहले लिख लेते हैं। अपन तो दी गई राशि है दिया है, पहला हमको क्या दिया गया है यहाँ पर प्रतिबल, इनका मान कितना दिया गया है यहाँ पर, तो दी गई राशि में प्रतिबल बराबर 4.0×10^5 और इनकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये हमको दिया गया है। अब उनके बाद देखते हैं अपन लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.20, अर्थात इनकी विकृति प्रतिबल दिया है, विकृति कितना दिया है, विकृति क्या होता है, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। चूंकि यहाँ पर प्रश्न में हमको क्या दिया गया है 0.20% की वृद्धि, इसका मतलब इसकी प्रारंभिक लंबाई को हम मान लेंगे 100, तो उनकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी 0.20 की, तो लंबाई में परिवर्तन 0.20
अपान प्रारंभिक लंबाई परसेंट है, इस कारण इसको अपन क्या माना गया है, 100 माना गया है। ठीक है, तो विकृति हमारे पास आ गया, इनको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट दो अंक बाद और दशमलव लगा देंगे 2 0, ये हमारा हो गया विकृति। हमको क्या ज्ञात करनी है, हमको यंग प्रत्यास्थता। यंग प्रत्यास्थता गुणांक हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सूत्र होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर, हम फार्मूला पढ़े हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, हमारे पास प्रतिबल हमको कितना है, हमारे पास में 4.0 गुणे 10^5 और विकृति हम निकाले हैं 0.002 को हम 10 घातांक के रूप में लिख सकते हैं, तो ये लिखा जाएगा 2 × 10^2 कितने अंक है, तो हम लोग बाद में 1, 2, 3, तो इसको लिखेंगे 10^-3। तो इसको हल किए तो ये हो जाएगा 4 × 2 × 10^5 और -3 हर में है अंश में जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2 × 10^5 = 8 और इनकी भी इकाई होगी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से जो दिया गया प्रश्न यंग प्रत्यास्थता गुणांक, उसका हमारा आंसर आ गया, क्या दिया गया है, 4 × 10^5 प्रतिबल और लंबाई में वृद्धि 0.0। तो प्रतिबल हमारा 4 है और विकृति हमारे पास आ जाएगा 0.002। तो हमको ज्ञात करने यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति, दोनों को मार रखे, मार रखने के बाद इसको हम सॉल्व किए हैं, हमारा आंसर आया है 2 × 10^8 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो किसी पदार्थ की यंग प्रत्यास्थता गुणांक इस प्रश्न में आएगा 2 × 10^8 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं।
पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक तार है जिनकी लंबाई 1 मीटर और त्रिज्या है 0.005 सेंटीमीटर है। इनको 10 किलोग्राम के भार से खींचा जाता है। यदि हमको दिया गया है तार के यंग प्रत्यास्थता गुणांक 2×10^11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो तार की लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है। तो हमको तार की लंबाई में वृद्धि की गणना करनी है। तो पहले अपन राशि देखते हैं क्या क्या दिया गया है। पहले लिख लेते हैं, आप दिया है एक तार की लंबाई, तो प्रारंभिक लंबाई प्रारंभिक लंबाई जिनको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल एल से, ये एल हमको दिया है 1 मीटर। उनके बाद त्रिज्या, त्रिज्या आर इक्वल टू ये हमको दिया है 0.005 सेंटीमीटर। चूंकि ये किसमें दिया गया है सेंटीमीटर में, और लंबाई जो दिया गया है किसमें दिया गया है मीटर में, अतः हमको इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो ये होगा 0.5×10^-2 मीटर सेंटीमीटर। चूंकि इसकी इकाई मीटर है, इस कारण इनकी इकाई को भी अपन किसमें चेंज कर देंगे, मीटर में। इनको और व्यवस्थित लिखना चाहेंगे तो 5 के बाद दशमलव बाद 1, 2, 3 है, तो -3 और -2 -5 मीटर हमारा त्रिज्या आ गया। तो क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7। आर का मान रख दिए 5×10^5 -2। और हमको इसके बाद फिर क्या दिया है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y इक्वल टू इनका मान हमको दिया है 2×10^-11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। साथ ही हमको भार दे दिया है, कितने दिया गया है 10 किलोग्राम। तो द्रव्यमान m इक्वल टू ये हमको दिया है 10 किलोग्राम, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रारंभिक लंबाई का मान दिया है 1 मीटर, त्रिज्या r का मान दिया है, इनको हल किए 5×10^-5 मीटर, यंग प्रत्यास्थता गुणांक दिया है y इक्वल टू 2×10^11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, द्रव्यमान हमको दिया गया है 10 kg। अतः सूत्र हम जानते हैं y इक्वल टू m×gL/πr²L, ठीक है। इस सूत्र में चूंकि हमको किसकी गणना करनी है, स्मॉल l की गणना करनी है, अतः इस स्मॉल l को y की जगह ले आते हैं, तो l इक्वल टू हमारे पास आएगा m×g×L/πr²y। हमको जो दी गई राशि है, इन सभी राशियों को यहाँ पर मान रखते हैं और मान रख करके अपन इनको हल करते हैं। m का मान हमको दिया गया है 10, g का मान हमको मालूम होता है ये कितना होता है 9.8, इंटू कैपिटल l ये हमको दिया है 1, ठीक है, अपान पाई का मान हम बताएं 22/7 गुणित r का मान हम यहाँ पर निकाले हैं 5×10^-5 मीटर, तो ये होगा 5×10^-5 पूरे का घात 2 इंटू y का मान हमको दिया गया है 2×10^11 10^11। चलिए इसको आगे हल करते हैं, ऊपर हमारा इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 98.1, 10 से करेंगे हट जाएगा ये, हाँ ये हमारा होगा 3.17, इनका 2 बार गुणा करेंगे 5 का, ये हो गया 25×10^-5, 2 बार है 10^-10
इंटू टू 10^-11। आगे चलिए हल में घातांकों को देखते हैं। हमको प्राप्त हुआ है अंश में 98/। आ जाते हैं 25×2, ये हो गया 25×2=50, 3.1450 इंटू, यहाँ पर देखते हैं 10^-10 और 10^-11, ये होगा 10^-10+11। आगे सॉल्व किए, यह है हमारा 98, 5 से इसको गुणा कर देते हैं 0, 5×4=20, 5×2=7, 5×3=15, 0.2 है 2, इंटू ये हमारा आएगा 10^-1 माइनस 10+11, 10^-1, ठीक है, हमारा आ गया 98, 10 से गुणा कर देंगे 98 में, इनको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं तो हमारा देखते हैं आंसर जो आएगा, ये आएगा 0.0624, इनको डिवाइड करके देखेंगे हमारे पास आएगा 0.0624 और इनकी इकाई ये होगी हमारी मीटर, अर्थात लंबाई में परिवर्तन सूत्र की सहायता से हम ज्ञात किए L=0.0624 मीटर। अर्थात प्रश्न दिया है एक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर, त्रिज्या 0.005 सेंटीमीटर, 10 kg के भार से खींचा जाता है, यदि इसका यंग प्रत्यास्थ गुणांक 2×10^11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, इनकी तार की लंबाई में वृद्धि की गणना कीजिए। तो न्यूमेरिकल की सहायता से हमने गणना किया, तो हमने देखा कि इनकी लंबाई में जो वृद्धि आ रही है वो आ रही है 0.0624 मीटर, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड और अगला सवाल देखते हैं। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। चौथा सवाल हमारे लिए है कि 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद वाले तार को दो मिलीमीटर खींचने में किए गए कार्य की गणना। मिलीमीटर तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद वाले तार को 2 मिलीमीटर खींचने में किए गए कार्य की गणना हमको करनी है। तो हमको देखते हैं किए गए कार्य की गणना करने के लिए हमको कौन कौन सी राशि दिया गया है।
तो पहले हमको दिया गया है इनकी लंबाई, लंबाई हमको कितना दिया गया है 1 मीटर। लंबाई l इक्वल टू 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर पर छेद, इनका क्षेत्रफल क्षेत्रफल a इक्वल टू 1 वर्ग मिलीमीटर। हमको मालूम है ये इकाई मीटर में दिया गया है, ये इकाई मिलीमीटर में दिया गया है, तो इस इकाई को हमको मीटर में परिवर्तित करने हैं। तो हमको मालूम है कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10^-3 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हो जाएगा 1 × 10^-3 पूरे के पावर 2, और ये इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर, अर्थात ये होगा 1 × इसको हल के -3 का हो जाएगा 1 × 10^-6 वर्ग मीटर। ये आ गया हमारा क्षेत्रफल, लंबाई 1 मीटर, क्षेत्रफल ए आ गया, इनका आयतन आयतन v इक्वल टू हमको मालूम है क्षेत्रफल गुणित लंबाई, तो आयतन v निकल आएगा a का मान 1 × 10^-6 इंटू l का मान 1, तो ये भी आएगा 1 × 10^-6 और ये आएगा घन मीटर, आयतन निकल आया। आगे देखते हैं और हमको क्या दिया गया है, लंबाई कितना मीटर खींचा गया है 2 मिलीमीटर, अर्थात लंबाई में परिवर्तन, तो लंबाई में परिवर्तन कितना दिया गया है 2 ये हमको दिया गया है 2 मिलीमीटर। ये इकाई भी हमको किसमें दिया गया है मिलीमीटर में, तो इस इकाई को भी हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो लंबाई में परिवर्तन l इक्वल टू आ जाएगा 2, अभी हमने आपको बताया मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10^-3 मीटर होता है, तो ये लंबाई में वृद्धि l इक्वल टू 2 × 10^-3 मीटर। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो हमको दिया गया इसमें दिया जाएगा, यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक ये भी दिया रहेगा जिनका मान y इक्वल टू हमको दिया है 2 × 10^-11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो हमको प्रत्यास्थता गुणांक y का मान भी दे दिया गया है जो मान कितना है 2 × 10^-3 मीटर, y इक्वल टू 2 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। हमको किए गए कार्य गणना करनी है, किए गए कार्य ये हमको किए गए कार्य की गणना करनी है, तो किए गए कार्य की गणना करनी है, तो किए गए कार्य जिनका सूत्र हमने आपको बताया था, कार्य हमको दिया गया है प्रत्यास्थता गुणांक दिया गया है और विकृति, तो विकृति पाई निकालते हैं, तो किए गए कार्य का फार्मूला होता है 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति, विकृति का वर्ग गुणित आयतन, ये है किए गए कार्य जिनका सूत्र होता है 1/2 यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति का वर्ग गुणित लंबाई। तो हमको जो राशि दिया गया है सभी का मान रखते हैं अपन,
यंग प्रत्याशिता गुणांक ये मान हमको दिया गया है 2 × 10^11। गुणित विकृति, विकृति हमको मालूम है ये सूत्र क्या होता है, क्या बताया था आपको, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन कितना हो रहा है हमारे पास, 2 × 10^-3, 2 × 10^-3 बटे प्रारंभिक लंबाई कितना हमारे पास है 1 मीटर, भुजा का घात 2। और आयतन, आयतन यहां पर हमने निकाला है 1 × 10^-6, 1 × 10^-6। चलिए इनको हल करते हैं, 2 से 2 काट दिए अपन, यहां पर 2 का 2 बार गुना किए, 2 × 2 = 4, फिर 10 की घात बाकी बचा 10 की घात, तो 10 की घात 11 खतांग में, −3 का 2 ये होगा −6, फिर क्या बचा हमारे पास 10^-6, फिर −6, 4 × 10^11 −12 −1, अर्थात ये हमारा आ गया 0.4 और इनकी इकाई होता है जूल। तो किए गए कार्य इस प्रकार से, जो प्रश्न हमारे पास है, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मिलीमीटर परिच्छेद वाले तार को 2 मिलीमीटर खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए, जबकि अंग प्रत्याशिता गुणांक हमको दिया है 2 × 10^11 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जिनका हमने हल किया तो किए गए कार्य हमारे पास आ गया कितना, 0.4 जूल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी में अगला सवाल चलते हैं, अगला सवाल में हमारे पास सवाल है कि 1 लीटर आदर्श गैस एक लीटर आदर्श गैस को 1 लीटर आदर्श गैस को 72 सेंटीमीटर पारे के दाब पर समतापी विधि से संपीड़ित करने पर उसका आयतन संपीड़ित करने पर उनका आयतन 0.9 लीटर रह जाता है, इस गैस के लिए हमको प्रतिबल, विकृति तथा समतापी प्रत्याशिता, प्रतिबल, विकृति व
समतापी प्रत्याशता की गणना करनी है। ठीक, हमारे पास प्रश्न है, एक आदर्श लीटर जो एक आदर्श गैस है एक लीटर वाले, इनको 72 सेंटीमीटर पारे के दाब पर समतापी विधि से संपीड़ित किया जाता है, जिससे उनका आयतन 0.9 लीटर रह जाता है। इस गैस के लिए हमको प्रतिबल, विकृति और साथ ही यंग प्रत्याशा गुणांक की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया देखते हैं अपन। क्योंकि समतापी प्रकरण में, अतः यह बायल के नियमों का पालन करेगा। बायल के नियम जो होती है वह होती है, हाँ हमको दिया गया है, प्रारंभिक दाब, प्रारंभिक दाब P1 इक्वल टू कितना दिया गया है अपने को, 72 सेंटीमीटर। ठीक, V1 इक्वल टू 1 कितना दिया गया अपने पास, कितना राशि है V1 इक्वल टू 1 लीटर। V1 इक्वल टू 1 लीटर, फिर उसका आयतन कितना होता है 0.9 लीटर। तो अंतिम आयतन V2 इक्वल टू 0.9 लीटर। ठीक है, क्या क्या दिया गया है, प्रारंभिक दाब P1 दे दिया है 72 सेंटीमीटर और प्रारंभिक आयतन V1 ये हमको दिया गया है 1 लीटर और अंतिम आयतन V2 इक्वल टू दिया गया है 0.9 लीटर। ठीक, ये हमको दिया गया है। चलिए आगे की इस प्रोसेस को, जो प्रतिबल, विकृति और यंग प्रत्याशा गुणांक याद करनी है, इनको आगे की क्लास में हमको बताएंगे। तब तक क्या है, धन्यवाद।